एक तरफ देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप कम नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनेता पूरे मामले में राजनीति करने से भी नहीं चूक रहे। इस अति संवेदनशील मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद अब महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने पलटवार किया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये बात ध्यान रख लें कि प्रवासियों को अब महाराष्ट्र आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। इसके साथ ही राज ठाकरे ने उद्धव सरकार से एक अपील भी की। मनसे प्रमुख ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को पुलिस स्टेशन में प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड बनाना चाहिए, जिसमें उनकी तस्वीरें भी हों। बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर दूसरे राज्य चाहते हैं कि यहाँ के श्रमिक उनके यहाँ पर काम करें, तो इसके लिए पहले उन्हें प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी होगी। योगी ने इस बात पर दुख जताया था कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कई राज्यों ने प्रवासी कामगारों का उचित तरीके से ध्यान नहीं रखा। उन्होंने कहा था कि जो भी राज्य चाहता है कि प्रदेश के प्रवासी कामगार उनके यहाँ वापस आएं, उन्हें राज्य सरकार से इसकी अनुमति लेनी होगी और उन कामगारों के सामाजिक, कानूनी और आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करने होंगे। अब इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को काम देने के लिए अनुमति लेनी होगी, तो उन्हें भी यहां काम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। महाराष्ट्र सरकार को इस तरह की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। कोई भी कर्मी जो यहां काम करने के लिए आएंगे, उन्हें सरकार के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के पास भी पंजीकरण कराना चाहिए। इन श्रमिकों को अपने दस्तावेज और तस्वीरें भी यहां पर जमा करानी होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।